हेलो फ्रेंड्स, फॉर्च्यून इन्फो सॉल्यूशन की ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। और दोस्तों, आज के वीडियो इस वीडियो में हम कुछ नए अपडेट्स के साथ हाजिर हुए हैं। और अपडेट है एमसीसी नीट पीजी काउंसलिंग 2021 से रिलेटेड। जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों कि एमसीसी की जो काउंसलिंग है वो 12 जनवरी को स्टार्ट होने वाली है। और इसकी ट्वीट हमारे यूनियन हेल्थ मिनिस्टर मनसुख मांडविया जी ने कल ही करके बता दी थी कि 12 जनवरी को स्टार्ट होगी। और इसकी काउंसलिंग शेड्यूल जो है वो ऑफिशियल वेबसाइट mcc.nic.in पे आ गई है। और आज का हमारा ये वीडियो इसी से रिलेटेड रहेगा। और आइए देखते हैं कि क्या इंपॉर्टेंट डेट्स दी गई है काउंसलिंग शेड्यूल में, और स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले वेरिफिकेशन ऑफ सीट मैट्रिक्स। वेरिफिकेशन ऑफ सीट मैट्रिक्स 7 जनवरी 2022 से लेकर 10 जनवरी 2022 तक रहेगी। रजिस्ट्रेशन एंड पेमेंट। रजिस्ट्रेशन जो है नीट पीजी काउंसलिंग के लिए एमसीसी की, वो 12 जनवरी से लेके 17 जनवरी तक रहेगी। 17 जनवरी को रात के 12 बजे ये फैसिलिटी क्लोज हो जाएगी। और इसकी रजिस्ट्रेशन की फैसिलिटी एंड पेमेंट की फैसिलिटी रात के 12 बजे नहीं, सॉरी, दोपहर के 12 बजे आफ्टरनून में रजिस्ट्रेशन क्लोज हो जाएगी 17 जनवरी को। और इसकी पेमेंट की फैसिलिटी दोपहर के 3 बजे क्लोज हो जाएगी। चॉइस फिलिंग जो है वो 13 जनवरी से लेकर 17 जनवरी 2022 तक चलेगी। और चॉइस फिलिंग 17 जनवरी को 11:55 PM इन द नाइट क्लोज हो जाएगी। चॉइस लॉकिंग जो है वो 3 बजे दोपहर को 17 जनवरी को लॉक हो जाएगी। लॉक करने की फैसिलिटी रहेगी 3 o'clock इन द आफ्टरनून से 11:55 PM इन द नाइट तक चॉइस लॉक करने की फैसिलिटी रहेगी। और एक नई ऑप्शन है वेरिफिकेशन ऑफ इंटरनल कैंडिडेट्स बाय द रेस्पेक्टिव यूनिवर्सिटीज एंड इंस्टीट्यूट। यानी वेरिफिकेशन की जो प्रोसेस है वो 18 जनवरी से लेकर 19 जनवरी तक रहेगी। सीट अलॉटमेंट की प्रोसेसिंग ऑफ सीट अलॉटमेंट 20th से 21st जनवरी तक रहेगी। रिजल्ट जो है 22nd जनवरी को आएगी। और रिपोर्टिंग जो है वो 23rd से 28th जनवरी को आएगी। ये फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग की पूरी शेड्यूल है। सेकेंड राउंड देख लेते हैं। सेकेंड राउंड में 1st of February से सेकेंड राउंड स्टार्ट हो रही है और 2nd of February तक चलेगी। वेरिफिकेशन ऑफ सीट्स, वेरिफिकेशन जो सीट मैट्रिक्स है उसकी वेरिफिकेशन इंस्टीट्यूट्स के द्वारा वो 1st of February से 2nd of February के बीच में रहेगी। यानी सीट मैट्रिक्स जो है वो 1st से 2nd February तक के बीच में आएगी। रजिस्ट्रेशन पेमेंट 3rd February से लेकर 7th February तक चलेगी। और 12 PM इन द आफ्टरनून को 7th February को रजिस्ट्रेशन क्लोज हो जाएगी। और पेमेंट की जो फैसिलिटी है वो 11:55 इन द नाइट 7 फरवरी को क्लोज हो जाएगी। चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग जो है वो 4th of February से 7th of February तक चलेगी। और 3 PM से लेके 11:55 PM तक चॉइस लॉकिंग की फैसिलिटी अवेलेबल रहेगी। और 7th of February को चॉइस फिलिंग की फैसिलिटी 11:55 PM तक रहेगी। यानी कि चॉइस फिलिंग और लॉकिंग दोनों की फैसिलिटी 11:55 PM को रात के ऑलमोस्ट 12 बजे क्लोज हो जाएगी। वेरिफिकेशन ऑफ इंटरनल कैंडिडेट्स बाय रिस्पेक्टिव यूनिवर्सिटीज एंड इंस्टीट्यूट्स, ये फैसिलिटी जो है वो 8th of February से लेकर 9th of February तक रहेगी। सीट अलॉटमेंट की प्रोसेसिंग 10th February से 11th February तक रहेगी। रिजल्ट 12th February को आएगी। एंड रिपोर्टिंग जो है 13 फरवरी से 19 फरवरी को के बीच में होगी। ये सेकेंड राउंड की शेड्यूल हो गई। मॉपअप राउंड, ये है मॉपअप राउंड की शेड्यूल। मॉपअप राउंड जो है वो उसकी सीट मैट्रिक्स जो है वो 22nd से 23rd फरवरी के बीच में आएगी। रजिस्ट्रेशन एंड पेमेंट जो है वो 24 फरवरी से 28 फरवरी के बीच में होगी। और 28 फरवरी को 12 o'clock इन द आफ्टरनून क्लोज हो जाएगी रजिस्ट्रेशन की फैसिलिटी। पेमेंट की फैसिलिटी रात में 11:55
पीएम को 28 फरवरी को क्लोज हो जाएगी। चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग 25 से लेकर 28 फरवरी तक रहेगी, 12 पीएम इन द आफ्टरनून 28 फरवरी को चॉइस फिलिंग की जो ऑप्शन है वो क्लोज हो जाएगी, और चॉइस लॉकिंग की जो ऑप्शन है वो 3 पीएम को खुलेगी और 11:55 पीएम को 28 फरवरी को क्लोज हो जाएगी। और वेरिफिकेशन ऑफ इंटरनल कैंडिडेट्स की जो फैसिलिटी है बाय देयर रिस्पेक्टिव यूनिवर्सिटीज एंड इंस्टीट्यूट्स, इंटरनल कैंडिडेट्स की वेरिफिकेशन की प्रोसेस जो है वो 1 मार्च से लेकर 2 मार्च तक रहेगी। प्रोसेसिंग सीट अलॉटमेंट की 3 मार्च से 4 मार्च तक रहेगी। रिजल्ट जो है 5 मार्च तक रहेगी और रिपोर्टिंग जो है 6 मार्च से लेके 10 मार्च 2022 तक रहेगी। ओके और स्ट्रे वैकेंसी की जो राउंड है ऑल इंडिया कोटा सेंट्रल यूनिवर्सिटीज पीजी डीएनबी सीट्स के लिए, उसमें कोई न्यू रजिस्ट्रेशन नहीं होगी, कोई फ्रेश चॉइस फिलिंग नहीं होगी और कोई पेमेंट फैसिलिटी भी नहीं होगी ऑनलाइन स्ट्रे वैकेंसी के लिए। जो प्रीवियस चॉइसेस आपने भरी थी उसी में से आपको चॉइसेस, अगर आप अलॉटमेंट होगी, अगर आपकी रैंक और स्कोर उसके अकॉर्डिंगली है, तो मतलब ये फर्स्ट सेकंड और मॉपअप राउंड में जो आपने चॉइसेस भरी हैं, कोई न्यू रजिस्ट्रेशन नहीं होगी। न्यू रजिस्ट्रेशन फर्स्ट राउंड सेकंड राउंड मॉपअप राउंड तीनों में है। फोर्थ यानी कि स्ट्रे वैकेंसी राउंड में कोई रजिस्ट्रेशन नहीं, कोई पेमेंट नहीं, कोई फ्रेश चॉइस फिलिंग नहीं। जो प्रीवियस चॉइसेस हैं उन्हीं में से आपको मिलेगी जिसमें सीट्स वेकेंट रहेंगी, अवेलेबल रहेंगी। और जो मॉपअप राउंड में जो आप चॉइसेस एक्सरसाइज करेंगे, यानी कि जो चॉइसेस आपने मॉपअप राउंड में भरेंगे वही कंसीडर किया जाएगा स्ट्रे वैकेंसी राउंड के लिए। जिन्हें कोई सीट अलॉटमेंट नहीं हुई है सिर्फ वही ऑनलाइन स्ट्रे वैकेंसी राउंड में अप्लाई कर सकते हैं। स्ट्रे वैकेंसी राउंड भी ऑनलाइन होगी, ऑफलाइन कुछ नहीं होगा। और अलॉटमेंट जो सीट्स की है वो सॉफ्टवेयर करेगी, यानी कि प्रोग्राम कोड सॉफ्टवेयर जो भी है वो करेगी सीट अलॉटमेंट की प्रोसेस को हैंडल। और आपको कहीं भी आपको कोई सीट नहीं मिलनी चाहिए। अगर आपको कहीं भी सीट मिलती है तो आप स्ट्रे वैकेंसी राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। आप तभी एलिजिबल हैं जब आपको कहीं कोई सीट नहीं मिली है। मॉपअप राउंड में जो आपने चॉइसेस भरी है वही चॉइसेस आपको स्ट्रे वैकेंसी राउंड में, उन्हीं चॉइसेस को कंसिडर किया जाएगा। तो ये थी दोस्तों काउंसलिंग शेड्यूल नीट पीजी 2021 काउंसलिंग के लिए, फर्स्ट सेकेंड मॉपअप एंड स्ट्रे वैकेंसी राउंड फॉर एमएसएमडी डिप्लोमा एंड डीएनबी कोर्सेज फुल काउंसलिंग शेड्यूल। इस वीडियो में दोस्तों इतनी ही अपडेट्स है, अगले वीडियो में कुछ और न्यू अपडेट्स के साथ हाजिर होंगे। अगर आपको हमारा ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव, हेल्पफुल, ज्ञानवर्धक और अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को, बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें। और फर्दर किसी इन्फॉर्मेशन, अपडेट, हेल्प, काउंसलिंग गाइडेंस, पेड काउंसलिंग गाइडेंस के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर्स पर ज़रूर कॉल करें। थैंक यू।